प्रिय साथियों, मैं महादेवय्या बोल रहा हूँ, महासचिव ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक को। कुछ व्हाट्सएप में एवं ये यूट्यूब में चैनल करके ये लोगों कुछ लोगों बकवास कर रहा है, कुछ गलत तत्वों के द्वारा इस मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है। आज भी हमारा हड़ताल जारी रहेगा, कल सरकार के साथ तो हम लोग हड़ताल का नोटिस जनरल सेक्रेटरी ने दिया है। सरकार के साथ कोई संपर्क को तो लेटर और मीटिंग लेना वो तो हम ही लोग लेना पड़ेगा। इसलिए कल सचिव डाक विभाग बुलाया था, इस संबंध में हम लोग उनको सूचना दिया है। डेफिनेट अश्योरेंसेस मतलब यही होता है रिटर्न अग्रीमेंट का, बिना रिटर्न अग्रीमेंट से नहीं होगा ये करके बोला है। आज का मुझे भी मालूम है, हम भी का मीडिया देखता रहता, सभी दिल्ली में काम करता है, कल कैबिनेट में है, कैबिनेट में हमारा आने का उम्मीद कम है। इस परिस्थिति में सरकार से डाक विभाग के क्या क्या हो रहा है ये सारे चीज़ों संग नज़र रखे हुए हम लोगों सोच के JCA में हम लोगों काम कर रहा है। किसी का हड़ताल का संबंध में कोई किसी तरह अनुकंपा अनुमान नहीं चाहिए। कुछ व्हाट्सएप में कुछ लोग गलत मैसेज रवाना कर रहा है, ये लोग वास्तव में GDS का शुभ चिंतक नहीं है। ये हड़ताल देश में जबरदस्त चल रहा है, कुछ तत्वों के द्वारा इस हड़ताल तोड़ने का विभिन्न षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए मैं सभी GDS से निवेदन करता हूँ, सभी हमारा नेता सक्रिय कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस वॉइस मैसेज को आप लोगों के लेके जाइए। हड़ताल जारी रहेगा, यदि हम लोग बात महादेवय्या और पांडुरंग राव और मुरलीधर ना करते हुए हड़ताल चला रहा है, और कौन का बुलाएगा हम ही लोग का है। इसलिए साथियों, यदि सरकार बुलाए वो तो चल के बात करना हमारा ड्यूटी बनता है। इसलिए इसका ये कुछ लोग इसका भी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इसका गलत हम लोग कौन किधर से ये तत्व आ रहा है इस तरह गुमराह करने का कोशिश है। इस तत्वों से हुशार रहिए, इसके कोई कीमत नहीं है। आप लोग हमारा वेबसाइट देखता रहने के लिए बोला है, हम लोग इसका एक अच्छा नतीजा पर लेके जाना है। इस तरफ से हम लोग हड़ताल जा रहा है, आज 15 दिन का हड़ताल है, 15 दिन का हड़ताल भी जारी रहेगा। यदि हम लोग सही है वो तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, आज तो 15 दिन है चलता रहेगा। इसलिए मैं सभी GDS साथियों से विनम्र निवेदन है, आप पेशेंस रखिए, हड़ताल जारी रखिए। ये बोलते हुए मेरा जरूर GDS का जीत होगा, ये मुद्दा ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए मैं दोबारा आप लोग का प्रार्थना करते हुए मैं बात समाप्त करता हूँ। आप लोग हड़ताल पर जारी रखिए, समय बताएगा। इसलिए साथियों, ये बात बताने के लिए मैं इस वॉइस मैसेज करके आप लोग के पास दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी नंबर में फोन्स भी आता है, इसलिए मैं बंद करके इस मैसेज भेज रहा हूँ। ये साथियों, इसका सभी साथियों का भेज देना। धन्यवाद। इनकुलाब जिंदाबाद, इनकुलाब जिंदाबाद। हड़ताल जारी रखें।